नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ एक प्याज काटने की मशीन। इस मशीन को मैंने कैसे बनाया है इसकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों चले हम इसे बनाना शुरू करते हैं।
तो दोस्तों अब ये मशीन बन के रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये 6 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी, तो दोस्तों ये बैटरी मैंने खुद ने बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये अभी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें प्याज की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मेरे गांव के आजू बाजू कहीं पर भी प्याज की खेती नहीं हो रही थी और मेरे खेत में आजू बाजू ही ये प्याज आ चुके थे। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसकी ही टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो अभी मैं घर पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसे कट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों इस मशीन के मोटर अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही थी, इसीलिए ये मशीन उतनी अच्छी वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस मशीन को बनाते हैं और आपके साथ भी कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आपको बस इस बेड स्विच को ओपन करना है और इस स्विच के अंदर के जो दो वायर है ना, एक ब्लैक और एक रेड, तो इन दोनों को एक्सचेंज कर लेना है। तो आप इस दोनों वायर को जैसे ही एक्सचेंज करोगे तो आपके मोटर की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब कि ये अच्छी तरीके से घूमेगी और सही डायरेक्शन में घूमेगी। तो दोस्तों अब ये मोटर सही डायरेक्शन में घूम रही है। तो दोस्तों अब ये हमारी मशीन बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगी। तो दोस्तों पहले क्या हुआ था, इस मोटर की डायरेक्शन अपोजिट हुई थी और हमारे में इस मशीन के कटर ब्लेड है तो उल्टे डायरेक्शन में घूम रहे थे, इसलिए ये इस तरीके से उतनी अच्छे से कट नहीं कर रहा था। लेकिन अब ये मशीन बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा कुछ टेस्टिंग करके नहीं दिखाई है क्योंकि दोस्तों हमारे पास प्याज की कमी थी और मेरे गांव की या फिर मेरे गांव के आसपास कोई किसानों ने मतलब कि प्याज की खेती भी नहीं की थी, इसीलिए दोस्तों मैं प्याज आपको नहीं ला पाया और इसकी टेस्टिंग में उतनी अच्छे से आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन अगर आपको इसकी टेस्टिंग और भी अच्छी तरीके से देखनी है तो आपको इस वीडियो के ऊपर 500 से ज़्यादा लाइक करने हैं और चैनल पर नए हो तो नीचे लाल कलर में जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा देना है। तो दोस्तों हम मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।